अलीगढ़ में दौरा इलाके में संचालित शेरवानी थेरेपी सेंटर पर चिकित्सा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ने उचित ठहराया है, लेकिन इस बात पर रोष जताया कि कुछ समाचार पत्रों ने उसे फिजियोथेरेपी सेंटर लिखकर प्रचारित किया है, जबकि वो सिर्फ शेरवानी थेरेपी सेंटर के नाम से संचालित था। कायरोप्रैक्टिस का फिजियोथेरेपी में कोई भी भाग या शाखा नहीं है और ना ही कायरोप्रैक्टिस फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आती है। ये फिजियोथेरेपी क्षेत्र को बदनाम करने की कोशिश है। कायरोप्रैक्टिस का कोई भी कोर्स भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है। इस मौके पर डॉक्टर अभय पचौरी, डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद राघव, डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर सुनील हरियाणा, डॉक्टर अभय भारद्वाज, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर पंकज वाजने, डॉक्टर साक्षी राघव आदि मौजूद रहे। यह प्रेस वार्ता का उद्देश्य था, जो दौरा माफी में एक डॉक्टर शेरवानी थेरेपी सेंटर करके चल रहा था, जिस पर कल प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी, उस प्रशासनिक कार्रवाई के समर्थन में हैं हम लोग सभी। क्यों? क्योंकि वो फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं है और वो फिजियोथेरेपी कह करके लोगों को बरगलाते हैं और भ्रमित करते हैं, और जब लोगों को नुकसान होता है तो वो हमारे फील्ड का नुकसान होता है। वो कहते हैं कि फिजियोथेरेपी से ऐसा हुआ है, जबकि वो फिजियोथेरेपी नहीं करते, वो कायरोप्रैक्टिस करते हैं। इसलिए हमारी ये ऑब्जेक्शन हम करने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस की है कि इसको फिजियोथेरेपी के नाम से प्रचारित ना किया जाए, इसको सिर्फ और सिर्फ थेरेपी सेंटर अगर वो लिखें, आप लोग लिखें, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा भूलवश हो जाता है, जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज हम जानकारी इसीलिए दे रहे हैं कि इसको जाना जाए कि वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। और किसका इलाज हुआ था, इस तरह की घटना हुई? वो शायद कहीं बाहर से आए हुए पूर्व विधायक थे, उनका बेटे का ट्रीटमेंट हो रहा था, उनके सर्वाइकल स्पाइन में उसने कोई जर्क दिया, उसकी वजह से कुछ फ्रैक्चर या कुछ ऐसा कुछ हुआ, जो कि जिसकी हमें मेडिकल हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमने अखबारों में पढ़ा वो ये था कि उसको पैरालिसिस हो गई, और उसके बाद कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई के बाद उस सेंटर पर को सील कर दिया गया, जो कि मुझे लगता है कि प्रशासन ने बहुत अच्छा किया, सही किया, गलत सेंटर को बंद किया। पहले हम जो मांग करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, सभी लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि कहीं कुछ हो तब तो हम कुछ करें, जब कुछ होता है तब करते हैं। जब अगर ये कल कोई विधायक का लड़का नहीं होता तो शायद मुश्किल था, लेकिन हम ठीक है, उन्होंने कार्रवाई की, हम इसका समर्थन करते हैं। बेसिकली आज की डेट में बहुत सारी पद्धति, लोग पता नहीं किस किस पद्धति से इलाज कर रहे हैं, जैसे झटका मार के इलाज करना और ड्राई नीडलिंग करना, कपिंग करना, इस तरह की जो चीज़ें आई हैं, ये फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं है। और समाज को भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जो पेशेंट हैं या लोग हैं, जागरूक हों कि ये फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं है और ना ही फिजियोथेरेपी से दूर दूर तक कोई वास्ता है इन चीज़ों का। फिजियोथेरेपी पूरी तरह से साइंटिफिक प्रोसीजर है और बहुत सेफ प्रोसीजर है। इसका ना तो कोई दूरगामी दुष्परिणाम है, ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट सडन कोई दिखाई देता है। तो फिजियोथेरेपी एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। पहले तो समाज को ये जानना चाहिए। दूसरी बात, समाज भ्रमित विज्ञापनों में आके इस तरह के लोगों के पास जाती है, उनके बारे में प्रॉपर तहकीकात करना चाहिए कि ये वाकई में कोई चिकित्सा पद्धति है या नहीं, या इसका कोई साइंटिफिक थ्योरी है या साइंटिफिक एविडेंसेस है जो आदमी प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस तरह के लोगों के बारे में लोगों को खुद स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः ही जानकारी लेना चाहिए। और विगत वर्षों में इस तरह के जो कोर्सेज है, इस तरह के कोर्सेज को हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारतवर्ष में कहीं पर ना कोई संस्थान है जहाँ पर ये कोर्स संचालित हों, ना इनकी कोई पढ़ाई है, तो इनके जानकार कहाँ से आ गए? ये लोगों को स्वतः ही जानना चाहिए। तो इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, कहीं से भी थोड़ा बहुत सीखे और अपना मैनिपुलेशन करना शुरू कर देते हैं। फिजियोथेरेपी के अंदर मैनिपुलेशन पार्ट आता है, लेकिन वो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशंस के अंदर होता है। इसमें किसी जॉइंट को सडनली मूव नहीं कराया जाता, वो स्लो प्रोसीजर है, और बहुत फोर्सली मूव नहीं कराया जाता, वो एक्टिवली कराया जाता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हर पैथी, हर थ्योरी हमारी फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं है। तो बस यही है, कल जो घटना हुई वो दुखद घटना है, और हमारा बस यही एक विरोध है। हम अपने अध्यक्ष महोदय के द्वारा संज्ञान लिया गया इस चीज़ का, और हमारा यही है कि हर चीज़ को फिजियोथेरेपी से ना जोड़ा जाए, हर तरह की चिकित्सा को फिजियोथेरेपी से ना जोड़ा जाए। फिजियोथेरेपी एक अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, मॉडर्न साइंटिफिक उसके ऊपर बेस्ड है। तो बस यही हमारा एक है कि प्रशासन इस तरह के लोगों पर कार्रवाई जरूर करें, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट वर्ड का यूज़ करके ना करें।